बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा में बीजेपी के पहले सीएम का चुनाव करने के लिए पार्टी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने दोनों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री की शपथ लेते ही पार्टी ने दोनों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। सीएम का नाम तय करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को दी गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने दोनों को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना है, बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा था कि बीजेपी 300 सीटें जरूर प्राप्त कर लेगी, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया और अब सरकार एनडीए की है। अब प्रधानमंत्री मोदी को अपनी योजनाएं लागू करने के लिए पहले नीतीश की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू के अलावा सभी सहयोगी दलों से चर्चाएं भी करनी होंगी। मोदी के 100 दिनों के एजेंडे में ये अहम प्लान हो सकते हैं। प्लान नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन। प्लान नंबर 2, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्लान नंबर 3, 70 साल के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज। प्लान नंबर 4, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून। प्लान नंबर 5, CAA को पूरी